बनाम बीबीसी के पीछे खेला जा रहा है। थोड़ा हाई कर रहा है, स्पीड अप करना है अंपायर, अखिल स्पीड अप कराना है। अनिश ओवर नंबर एक यहां पर लेके आए हैं। अनिश बैटिंग पे है, धवल पटेल और सेकेंड पर है ब्रिजेन। देखना होगा यहां पर किस प्रकार की बल्लेबाजी यहां पर रहेगी धवल पटेल की तरफ से। हालांकि ज्यादा अब तक कुछ कारनामा नहीं कर पाए। फिर से एक बार बॉलर निशान तैयार होते हुए पहली गेंद इस ओवर की लेकर। ओहो क्या बात है, पहली गेंद यहाँ पर बेहतरीन गेंद। और देखना होगा अखिल, इस अखिल बैट बैट और भाई से अखिल अखिल भाई से या बैट, यस थैंक यू। सिंगल करना है अखिल, एक सिंगल रन यहाँ पर आता हुआ। फिर से एक बार निशान तैयार होते हुए इस ओवर की अगली गेंद लेकर सामने होंगे बल्लेबाज ब्रिजेश। इस सलामी के लिए दोनों ही बल्लेबाज जरूर अब तक शुरुआत यहां पर दमदार करनी पड़ेगी बीबीसी के लिए। यहां पर अच्छा शॉट लगाने की चाहत, पार्टनरशिप करने की चाहत, लेकिन बॉल यहां पर डॉट। नाकवा बॉयज टीम में दो बॉल में चार रन चाहिए थे। रोहित मोरे ने कमाल का बाउंड्री लगाया और मैच टीम जीती। फिर से एक बार बॉलर तैयार, अच्छा स्ट्रोक यहां पर। इस वक्त यहाँ पर टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले रहे हैं बल्लेबाज, बैकफुट पर गए पंच करने की चाहत, लेकिन यहाँ पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल रहता हुआ डॉट। फिर से एक बार बॉलर तैयार, निशान सब अच्छी गेंद यहाँ पर, केवल हल्का से कट किया, चौहान वहां पर थे लेकिन बैकअप के लिए कोई नहीं था खिलाड़ी। मौका था एक बार सागर चौहान के पास, अगर डायरेक्ट हिट लगाते तो शायद विकेट प्राप्त हो सकता था, लेकिन रिक्स नहीं लिया, कोई जोखिम यहाँ पर नहीं उठाया है। बॉल यहाँ पर हो चुकी है टोटल पांच, पांच बॉल रन है स्कोरबोर्ड पर, तीन अच्छी गेंदबाजी यहां पर अनिश के माध्यम से देखने मिलता हुआ। अनिश फिर से एक बार तैयार, इस वक्त यहां पर दिशा से भटके, खराब लाइन और लेंड आउटसाइड द लेग स्टंप, व्हाइट बॉल यहां पर फेंकते हुए एक एक्स्ट्रा रन यहां पर ऐड होता हुआ बीबीसी अकाउंट टीम के खाते में। हल्के से खेला है, इस वक्त एक मौका था यहाँ पर बॉलर को, लेकिन सिंगल रन को यहाँ पर स्टॉप नहीं कर पाएंगे। एक मौका था यहाँ पर कैच पकड़ा जा सकता था, लेकिन यह कैच ड्रॉप होता हुआ और एक जीवन दान यहाँ पर मिला है ब्रिजेश को। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है 5 विदाउट लॉस। पुल सी का ये आखिरी मुकाबला पुल डी इसके बाद शुरू होगा। पुल डी में जरूर यतिराज देवरुखे एज अ आईकोन, शाहनवाज खान एज अ आइकोन, अभिषेक मंडेलिया एज अ आइकोन, जैनम शाह एज अ आइकोन, चार आइकोन आमने सामने एक हाफ में दिखाई देंगे। शानू टीम रेडी रहना है और जैनम शाह आप भी अपने प्लेयर्स लोगों को रेडी रहना है। इनिंग ब्रेक के बाद टॉस किया जाएगा, कैप्टन ने राहुल पाल ओवर नंबर दो लेकर अपनी टीम के लिए नेक्स्ट मैच के लिए, शाहनवाज खान अपनी टीम को लेकर रेडी रहना है और जैनम शाह आप भी अपनी टीम को लेकर रेडी रहना है। इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा, राहुल तैयार इस वक्त अच्छा स्ट्रोक है, देखना होगा कितने रन यहाँ पर मिलेंगे। फिर से एक बार सागर चौहान के हाथ में गेंद, एक सिंगल रन, अच्छी फील्डिंग अब तक करते हुए काफी खुश होंगे नाकवा बॉयज अर्थात गुरुदेव गांव, और गोड़देव गांव को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं सैंडी एज अ विकेट कीपर की भूमिका में। और
जतिन होंगे, साहिल पाटिल इनके छोटे ब्रदर। फाइनल क्षेत्र में आप देख सकते हो राहुल पाल फिर से एक बार तैयार, एक अच्छा स्ट्रोक वहां पर खेला है, देखना होगा। आशीष काफी बेहतरीन फील्डिंग, अपने हाइट का पूरा फायदा उठाया है, एक बेहतरीन यहां पर डाइव लगाकर गेम को स्टॉप किया आशीष ने। एक बेहतरीन बल्लेबाज और एक बेहतरीन खिलाड़ी, अपने टीम के लिए 3 रन यहाँ पे सेव किए हैं। फिर से एक बार राहुल तैयार, ओवर की 2 गेंदें अब तक फेंक कर हो चुकी है, 2 गेंदों पर 7 रन अब तक टीम बीबीसी का होता हुआ। हालांकि सलामी के दोनों बल्लेबाज अब तक रिक्स यहाँ पर उठाना पड़ेगा, सीधे बल्ले से खेला है वहां पर अनिकेत है, कोई गलती नहीं, 1 रन केवल। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 8 विदाउट लॉस, सेकेंड ओवर इज गोइंग ऑन। धवल पटेल अब यहां से अपने इरादे को बदलना पड़ेगा, यहां से बड़े स्ट्रोक की खोज में लगना पड़ेगा क्योंकि स्कोर बोर्ड की गति को बढ़ाना पड़ेगा। रन संख्या केवल है 8। यहां पर काफी बेहतरीन शॉट देखने मिलता हुआ, टाइम किया, बेहतरीन गैप ढूंढा, इस वक्त देख रहे थे ऑफ साइड में, लेकिन जब एंड मोमेंट पे उन्होंने फाइन लेग में देखा कि कोई खिलाड़ी नहीं है एकदम, और बेहतरीन शॉट गैप में खेला है और 4 रन से यहाँ पर शुरुआत करते हुए वे पाल का स्वागत किया इस वक्त, और इस 4 के मदद से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 12 रन। मीरा भाईंदर की सबसे टफेस्ट जोड़ी अर्थात धवल पटेल ध्रुपद पटेल, ये है धवल पटेल बिग ब्रदर, और एक बिग इनिंग यहाँ पर खेलनी पड़ेगी। फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल किया है, कारपेट के सहारे खेला है, वहां पर रोहित मोरे है दूसरे के लिए कॉल कर रहे हैं, देखिए ना होगा, लेकिन धवल पटेल का कॉल नो और केवल 1 सिंगल से यहां पर संतुष्ट, और 1 सिंगल की मदद से स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 13। फिर से एक बार तैयार राहुल, अच्छा स्ट्रोक यहां पर लेकिन संता है, ओ क्या बात है, बेहतरीन फील्डिंग बेहतरीन थ्रो, यहाँ पर फील्डिंग के लिए मिलेंगे पूरे 100 आउट ऑफ 100, और थ्रो भी अच्छा था उसके लिए भी 100 आउट ऑफ 100, लेकिन कलेक्शन काफी बेकार। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर रन है 14 विदाउट लॉस 14 रन। बीबीसी टीम ने पहले मुकाबले में भी शुरुआत इसी प्रकार की थी, पहले 2 ओवर में 11 रन बनाए थे, उसके बाद धीरज जैन और विजय माने इन्होंने अफलादून एक फ्लाइंग स्टार्ट दी थी 2 ओवर के बाद आने के बाद, 2 बाउंड्री धीरज जैन के बल्ले से देखने मिली और 1 बाउंड्री विजय माने के बल्ले से, और टीम जा पहुंची थी 43 तलक। सामने थी बिल्ला पैकर्स की टीम, हालांकि बिल्ला पैकर्स से टीम जो कि चैंपियन थी मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग सीजन 5 की, इसे प्रतियोगिता से अब बाहर हो चुकी है। ओवर नंबर 3 अनिकेत आए हैं गेंदबाजी के लिए, अनिकेत ओवर नंबर 3। ब्रिजेन यहां पर फील्डिंग का मुजायना करते हुए देखते हुए कहां पर खिलाड़ियों को तैनात किया गया और किस दिशा में यहां पर स्ट्रोक लगाया जाए, देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी यहां पर रहेगी नाकवा बॉस टीम के माध्यम से अनिकेत की। फुल टॉस गेंद यहां पर गैप में खेला है, कोई मौका नहीं यहां पर, परफेक्ट गैप में यहां पर खेला है। एक बड़ा काफी गैप था और उस गैप में भेदने में सफल रहे इस वक्त ब्रिजेन, और देखा जाए तो फील्डिंग 5 खिलाड़ी को ऑफसाइड में तैनात किया गया है और 4 खिलाड़ी को लेग साइड में, फील्डिंग परिवर्तन फटाक से यहां पर ऑफसाइड में 4 और लेग साइड में 5। पहले ही गेंद पर यहां पर अनिकेत का स्वागत किया है 4 के साथ। ब्रिजेन तैयार, फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल, अच्छा स्ट्रोक रोहित मोरे हैं वहां पर हल्के से थ्रो यहां पर फेंकते हुए, 1 रन 19 विदाउट लॉस, एक अच्छी पार्टनरशिप और इस टूर्नामेंट की सबसे लंबी और सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप अब तक जीतू पैकर्स के विशाल चतुर्वेदी और शिवम शुक्ला के बीच हुई है 58 रन। सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर आदित्य शेट्टी और सबसे हाईएस्ट स्कोर जिन्होंने बनाया प्रतीक केटोपा। गेंद यहां पर देखना होगा, बेहतरीन कलेक्शन लेकिन थ्रो खराब, फॉलो थ्रो में गेंद को स्टॉप किया लेकिन वहां पर काफी क्विक थे धवल,
पटेल एक सिंगल रन यहां पर आता हुआ, एक सिंगल से स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 20 रन। हाईएस्ट मोस्ट रन में अब तक नंबर एक पर है प्रतीक, जिन्होंने 93 रन बनाए हैं, लेकिन हालांकि उनकी टीम सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। एक बार अच्छा स्ट्रोक यहां पर, क्या लाजवाब स्ट्रोक, गेंद जरूर थोड़ी सी लंबी थी लेकिन अच्छा यहां पर शॉट जड़ा है। मैं कहूंगा ब्रिजेन ने फुल टॉस गेंद बना ली थी और एक अच्छा पैनल स्लिप देखने मिला 4 रन मुकम्मल करते हुए, 4 रन की मदद से स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ बीबीसी का 24 रन। चार बॉल अब तक हो चुकी है इस ओवर की, 2 गेंदे आना बाकी। सबसे मोस्ट रन में नंबर एक पर है प्रतीक, जिन्होंने इंडिविजुअल स्कोर में भी 35 रन बनाए और ओवरऑल 3 मैचेस में 93 रन। सेकंड नंबर पर है विशाल चतुर्वेदी, जिन्होंने एक मैच में हाईएस्ट स्कोर 28 और उनका हाईएस्ट स्कोर है 50 रन 3 मैचेस में। अनिकेत फुल टॉस गेम यहां पे फील्ड से एक बार गैप, क्या बात है, इस ओवर का तीसरा 28 रन, यस इस ओवर का तीसरा ये बाउंड्री ब्रिजेन के बल्ले से आता हुआ। हालांकि ब्रिजेन के बल्ला कब से खामोश था, 2 मैच में अब तक खामोश थे, लेकिन तीसरे ओवर में क्या यहां पर बल्लेबाजी करते हुए इस तीसरे मुकाबले में, क्योंकि डू और डाई, इस वक्त भी काफी अच्छा स्ट्रोक था लेकिन देखना होगा। धवल पटेल को यहां पर हिट होता हुआ एक सिंगल रन, सिंगल के मदद से स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 29 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद। मैंने पहले ही कहा था शुरुआत भले स्लो है लेकिन जो एंड होगा वो काफी धमाकेदार होगा। बीबीसी टीम के लिए अब तक धमाका तो हो चुका है, ब्रिजेन के बल्ले से 3 बाउंड्री देखने मिली अब तक इस ओवर में 29 रन। आज के दिन में अब तक सभी मैचेस में हमने देखा 40 प्लस रन होते हुए। फिर से एक बार हमारे बीच रिद्धि सिद्धि डेकोरेटर्स के ओनर अक्षय सालियन जी यहाँ पर उपस्थित हुए, उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ये मंडप की व्यवस्था आप देख रहे हो सब रिद्धि सिद्धि डेकोरेटर्स के माध्यम से। अंकित मिश्रा आए हैं गेंदबाजी के लिए, इस वक्त खुद टीम के कैप्टन है। इस वक्त फिरकी का जादू और देखना होगा, डायरेक्ट हिट की चाहती सैंडी यहां पर रिस्क उठाया लेकिन डायरेक्ट हिट यहां पर नहीं हुआ, केवल सिंगल स्ट्राइक पे अटे हुए धवल पटेल। थर्टी रन। हर टीम में अगर बात की जाए जो टीम के ओनर जहां से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र के एक आधा प्लेयर उस टीम में जरूर है, जैसे जीतू पैकर्स टीम की बात की जाए तो अक्षय पाटिल, आयुष पाटिल, अक्षय सोनी जो कि रेगुलर हमेशा जीतू पैकर्स टीम से खेलते हैं और कल के दिन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया और सेमीफाइनल मैच आई थिंक सो किसी को पता नहीं होगा क्योंकि जब काफी टाइम हो चुका था उसके बाद सेमीफाइनल खिलाया गया और जीतू पैकर्स टीम फाइनल में पहुंची है। अच्छा स्ट्रोक वहां पर आशीष है लेकिन डायरेक्ट अच्छा थ्रो भी देते हुए एक सिंगल रन यहां पर, वो काफी क्विक है धवल पटेल, एक सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 31-31। 4 गेंदे अब तक यहां पर बाकी है, सैंडी यहां पर जरूर गुर्दों से बिलोंग करते हैं और अपने नाकवा बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त यहां पर काफी बेहतरीन स्विंग देखने मिलता हुआ लेकिन आउटसाइड दॉम ऑफ स्टंप, काफी ज्यादा स्विंग यहां पर देखने मिलता हुआ। ऑस्ट्रेलिया के बल्ले गेंदबाज इस प्रकार हम देखते थे शेन वॉन को, उसी प्रकार के अर्थात अनिकेत मंजे अनिकेत फिर से एक बार तैयार होते हुए और इस वक्त अच्छा स्ट्रोक था लेकिन यहां पर गलती कर बैठे थोड़ा सा ऊपर, शॉट सिलेक्शन परफेक्ट था लेकिन एलिमिनेशन थोड़ा ज्यादा मिला। इस वक्त बल्लेबाज को जाना पड़ेगा डगआउट में। एक सफलता यहां पर अंकित मिश्रा अर्थात जिन्हें लोग प्यार से भी कहते हैं मीरा भाईंदर का लैपो, नाकवा बॉयज टीम में आज यहां पर अपनी जगह बनाई है एज अ आइकॉन के रूप में। अंकित इस फिर से एक बार तैयार होते हुए एक सफलता उनको यहाँ पर जरूर मिली है लेकिन धीरे चेहरे का आक्रमक और डेंजर बल्लेबाज आए स्ट्राइक पर और यहाँ पर बेहतरीन स्ट्रोक
45 रन यहाँ पर मौका नहीं था रोहित मोहरे के पास बॉल को यहाँ पर कलेक्शन कलेक्ट करने के लिए। परफेक्ट गैप में इस वक्त धीरज जैन, हालांकि कम गेंदें खेलने भले ही मिली लेकिन जितनी मिली उतने पर मुझे पूरा 100% देना है अपनी टीम के लिए। एक बॉल में 6 रन। फिर से एक बार 6 स्ट्रोक वहां पर संध्या है, 1 रन पूरा किया, 2 रन के लिए कॉल करते देखना होगा और बल्लेबाज आउट। विकेट का होता हुआ पतन, धवल पटेल उनको पता है कि जिस प्रकार 6 लगाया था यहाँ पर धीरज ने तो उन्हें स्ट्राइक देना इंपॉर्टेंट है और उसको मदद नजर रखते हुए इस वक्त स्ट्राइक दिया है धीरज जैन को। स्कोर बोर्ड पर रन है 38। इस वक्त यहाँ पर देखना होगा कदमों का इस्तेमाल किया था, एक सिंगल रन दूसरे के लिए कोई चांस नहीं, केवल सिंगल क्योंकि विकेट का भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच अगर टाई हो जाए तो सबसे पहले विकेट देखा जाएगा। डेंजर 11 टीम कैप्टन और जयराम शाह। फोर्टी रन यहाँ पर बनाए हैं टीम बीबीसी ने और 41 का रन का टारगेट है और हम टॉस बॉक्स में यहाँ पर जरूर टॉस करने जाएंगे। मरकज बॉयज टीम कैप्टन एंड डेंजर बॉयज टीम कैप्टन ने टॉस के लिए आना है। मरकज बॉयज कैप्टन यहां पर आ चुके हैं शौकत भाई और डेंजर बॉयज टीम कैप्टन टॉस के लिए आना है और यश बैनर्जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी शुरुआत से टॉस होगा। डेंजर बॉयज टीम कैप्टन अगर टॉस के लिए नहीं आते इनिंग ब्रेक में तो डेफिनेटली 3 रन की पेनल्टी होगी। अगर फील्डिंग सेट हो जाता है डेंजर बॉयज के प्लेयर अगर कोई टॉस के लिए नहीं आते हैं तो 3 रनों की डैम श्योर आपको पेनल्टी दी जाएगी। फील्डिंग अगर लग जाती है इस मैच की पहली ओवर लेकर पहली गेंद गिरती है उसके पहले अगर कैप्टन नहीं आते डेंजर के तो 3 रनों की पेनल्टी होगी। टॉस यहां पर किया जा रहा है मरकज बॉयज बनाम डेंजर बॉयज, यश बैनर्जी की शुरुआत से टॉस यहां पर। मरकज बॉयज ने कॉल दिया यहां पर टेल और आया हेड, टॉस जीता है इस वक्त डेंजर बॉयज ने, निर्णय क्या होगा। फील्डिंग थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोनों ही टीमों को और मैच की ओर जाएंगे। नाकवा वर्सेस बीबीसी के पीछे चलता हुआ मुकाबला, 41 रनों का टारगेट यहां पर रखा है। फिर से आपके साथ जुड़ेंगे कॉमेंट्री बॉक्स से। सुस्वागतम, वेलकम सभी हमारे क्रिकेट चाहतों का, सभी दर्शकों का हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ते हुए। ये टफ एनकाउंटर इस वक्त चलता हुआ, जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। संता इस वक्त बैटिंग के लिए स्ट्राइक एंड पर है, नॉन स्ट्राइक एंड पर है अंकित मिश्रा 41।
इस वक्त यहाँ पर पहली गेंद धवल पटेल की बेहतरीन गेंद, संतोष संत्या इस नाम से प्रसिद्ध है और पहली गेंद यहाँ पर धवल पटेल की काफी अच्छी। हालांकि धवल पटेल हर बार चौथा ओवर लेके आए थे लेकिन इस वक्त नई गेंद से शुरुआत करना चाहते हैं। फिर से एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर ब्लॉक हॉल गेंद सिंगल के लिए खेला है संत्या ने। हालांकि संत्या जिस नाम के लिए जाने जाते हैं, जिस काम के लिए जाने जाते हैं, अब तक उनका बल्ला उस प्रकार से नहीं बोला है। ये इस मुकाबले में अगर उनका बल्ला चल गया तो नाकवा बॉयस डेफिनेटली आपको जरूर दिखाई देगी ये क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। लेकिन गेंदबाजी भी यहाँ पर बेहतरीन है, अब तक बीबीसी टीम के राजेश यादव ने की है। अच्छी गेंद यहाँ पर और गलती कर बैठे, खराब फील्डिंग राजेश यादव। यस सर, दुपद पटेल बता रहे हैं कि यस वहीं पर खड़े हैं राजेश यादव और उनके हाथों में गेंद गई और गलती कर बैठे, बहुत बड़ी गलती। यहाँ पे मैच भी ऑन होगा अब यहाँ से जरूर, चार रन मिलता हुआ। इस चार रन के मदद से नाकवा बॉयज टीम का स्कोर जा पहुंचा है 5 रन पर, 5 विदाउट लॉस। अच्छी स्टार्ट नाकवा बॉयज टीम की तरफ से अंकित करा के देते हुए। फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर और बैक टू बैक दो बॉल पे दो बाउंड्री, अच्छा स्वीप यहाँ पर करते हुए, अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड अंकित मिश्रा का, एक सीधे बल्ले से तो एक आड़े बल्ले से, क्या बात है, लगातार दो गेंदे दो बाउंड्री, पूरा गोड़देव गांव नाकवा बॉयज के सभी समर्थक देवा पाटिल पप्पू काफी खुश होंगे इस मैच को देखकर अब तक। अंकित मिश्रा फिर से एक बार बैटिंग में तैयार होते हुए बाउंड्री की हैट्रिक, चौकार की यहां पर हैट्रिक होगी देखना होगा। इस वक्त आउटसाइड ऑफ स्टंप करा बॉल, व्हाइट बॉल का सिंगल, अंपायर का व्हाइट आता हुआ और व्हाइट की मदद से स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ टोटल 11 रन। एक मिनट, 10 रन, यस 10 10। दुपद पटेल हमारे साथ स्कोरिंग में है, क्रिकेट का भरपूर अनुभव है उनको उनके पास। और फिर से एक बार खराब बॉल, 1 1 11, 11 रन स्कोर बोर्ड पर। इस वक्त अच्छा स्ट्रोक देखना होगा, एक सिंगल प्रॉपर बैट पर यहां पर गेंद नहीं आई, काफी नाराज है इस वक्त अंकित मिश्रा अपने इस शॉट से, क्योंकि अगर परफेक्ट कनेक्शन होता तो शायद एक बाउंड्री है या फिर 6 रन मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर प्रशंसा करनी पड़ेगी गेंदबाज धवल पटेल की, जिन्होंने अब वापसी करना शुरू कर दी है टीम बीबीसी के लिए, संता के लिए। फुल टॉस बॉल यहाँ पर खुद कर निकाला है राजेश यादव, वहां पर है कोई गलती नहीं करते हुए, एक सिंगल कंप्लीट होता हुआ। थर्ड अंपायर नहीं है आपके पास, बीमर नो के लिए थर्ड अंपायर आपके पास है, रिव्यू नहीं है, रन आउट के लिए रिव्यू है, आपके पास रिव्यू नहीं है। आर्ग्यूमेंट ना करें प्लीज, आर्ग्यूमेंट ना करो प्लीज, बीबीसी टीम कॉपरेट करो, आप अच्छे एक डिसिप्लिन प्लेयर हो मुझे पता है, प्लीज कॉपरेट करो, क्योंकि ऑलरेडी एक बार लिया गया था रिव्यू, क्योंकि अंपायर के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रिव्यू अगर है हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सो थर्ड अंपायर का रिव्यू है तो रिव्यू भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, टेक्नोलॉजी होने के कारण दूध का दूध और पानी का पानी जरूर यहाँ पर देखने मिलेगा। कल के दिन भी हमने देखा था एक रिव्यू लिया गया था फुट शेप के लिए भी, लाइन नो के लिए जरूर लिया गया था, और टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज प्रॉपर होना चाहिए। दो दो एंगल से हमारे एनडी स्पोर्ट्स लाइव चैनल के साथ यहां पर पूरी टीम लगी हुई है और यहां पर फाइंड आउट कर रही है कि एग्जैक्टली यहां पर डिसीजन पेंडिंग है, रिव्यू है ये टीम नाकवा बॉयज का,
क्योंकि जो नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी थे उन्हें ऐसा डाउट आया मन में कि शायद वो जो लाइन है उस पर कहीं तर गेंदबाज का फुट टच हुआ। सबसे डेंजर पुल मतलब डी पुल, कल के दिन में देखा हमने ए पुल में, बी पुल में, सी पुल में आज का आखिरी मुकाबला, लेकिन डी पुल में जो मुकाबले है ना वो काफी डेंजर होंगे, क्योंकि शाहनवाज खान, यतिराज देवरू के, ए जैनम शाह, अभिषेक मंडेलिया। स्कोरबोर्ड पर रन है टोटल 13 रन, और 13 रन, 41 रन का टारगेट यहां पर है टीम नाकवा बॉयज के लिए। शुरुआत यहां पर बिन बात 13 तलक की है अंकित और संध्या। संध्या की बात की जाए, संध्या के बल्ले से अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक देखने नहीं मिला, 3 बॉल में 2 रन, और अंकित मिश्रा के बल के पारी में 3 बॉल में 9 रन। आज के दिन के सबसे बेहतरीन एक इकोनॉमिकल गेंदबाज आए हैं बॉलिंग के लिए, राजेश यादव। सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर कल के दिन में हमने देखा, हालांकि 2 हाईएस्ट विकेट टेकर हैं जिनके विकेट सेम है, आदित्य शेट्टी और आयुष पाटिल, जीतू पैकर्स टीम के। हालांकि आदित्य ने 15 रन खर्च किए हैं और आयुष पाटिल ने 29 रन खर्च किए 3 ओवर में। राजेश यादव तैयार होते हुए संता के लिए, और यहां पर व्हाइट बॉल का सिग्नल। संता एक बेहतरीन खिलाड़ी है, उनका अगर बल्ला चला तो आई थिंक सो ये मुकाबला 3 ओवर में भी खत्म हो सकता है, लेकिन देखना होगा। यहाँ पर राजेश यादव फिर से एक बार तैयार होते हुए, एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर लपेटा है संतोष ने काफी दूर से, एक सिंगल रन, सिंगल के मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ 15 रन। यहाँ पर शुरुआत दमदार नाकवा बॉयज के डगआउट में, यहाँ पर काफी चीयर करते हुए सभी खिलाड़ी, दोनों ही बल्लेबाजों को और सभी दर्शक भी यहाँ पर, और अच्छा क्लाइमेट, एक अच्छा माहौल। स्वर्गीय आनंद जी के साहिब मैदान पर यह मुकाबला खेला जा रहा है, मीरा भाईंदर चषक 2021। यहाँ पर देखना होगा, गलती कर बैठे अंकित मिश्रा की ये बहुत बड़ी गलती, और उनके पारी का लगता हुआ ये फुल स्टॉप। आज देखील या ठिकाणी संपूर्ण काशी गाव, गावठण गाव देखील उपस्थित झाला या मॅच पाहण्यासाठी, आणि का येणार नाही, त्यांचा गावाचा हुकमाचा एका म्हणजे सँडी केसकर या ठिकाणी दाखल झालाय खेळण्यासाठी, तर त्यांना सपोर्ट करण्यासाठी नेहमी ते आवर्जून उपस्थित राहतात। मन्नार पेंडणेकर असू दे, तर इतर लोक देखील आज गावठणमधून या मीरा भाईंदरच्या नगरीमध्ये दाखल झालेले, त्या तमाम प्रेक्षकांचा देखील हार्दिक स्वागत। राजेश फिर से एक बार तयार होते हुए 15 रन स्कोर बोर्ड पर अब तक लग चुके हैं। यहां से देखना होगा क्या स्ट्रैटेजी होगी, थोड़ा सा टीम मीटिंग जरूर करते हुए बीबीसी की टीम। कल का बेहतरीन हमने एग्जीबिशन मैच देखा, मीरा रोड बनाम भाईंदर, और मीरा रोड ने एक बेहतरीन जीत हासिल की, लेकिन भाईंदर ने भी प्रतिउत्तर काफी अच्छा दिया था। जयेश तोलाली ने काफी बेहतरीन और विस्फोटक बल्लेबाजी की। राजेश यादव अनिकेत के लिए अगली गेंद, इस वक्त यहां पर 2 गेंदों पर 2 विकेट, क्या बात है, वापसी कराई है। अब यहां से विकेट मिलने के बाद शोल्डर थोड़ा सा अब प्रेशर दबाव जो था वो रिलीज होता हुआ, अब ट्रांसफर होता हुआ नाकवा बॉयज टीम के ऊपर। 2 गेंदों पर 2 विकेट यहाँ पर गए हैं नाकवा बॉयज टीम के, हैट्रिक पर होंगे अब राजेश यादव। नए बल्लेबाज उतरे हैं अब नंबर 4 पर सैंडी अर्थात संदीप कीनी, गणेश कीनी इनके बिग ब्रदर। यहां पर देखना होगा, आज खेलना होगा अपनी टीम के लिए और अपने अर्थात गांव के लिए, गोरदो के लिए खेलना पड़ेगा, गोरदो से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर आज अच्छी बैटिंग करेंगे अपनी टीम को जिताएंगे तो गोरदो के हर घर घर में केवल एक ही नाम होगा, मिस्टर और मिस्टर सैंडी। एक काफी ओल्ड खिलाड़ी है सैंडी, अनुभव से भरपूर है, किस प्रकार से गेंद रहेगी, किस प्रकार से स्ट्रोक लगाना है उन्हें सब पता है, बट यहाँ से क्रिकेट है, क्रिकेट में यहाँ पर जो हुकला तो संपला, जो टिकला यानी लोकाना संपवला,
सैंडी इस वक्त फिर से एक बार तैयार होते हुए। राजेश यादव हैट्रिक गेंद अपनी इस ओवर की लेके चल पड़े हैं। यहां पर देखना होगा बड़ी गलती, बहुत 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 बड़ी गलती लेग बाइस के स्वरूप में। यस ब्रिजेन यहां पर बहुत बड़ी गलती की और मिलेंगे चार रन और इस चार के मदद से स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 19 रन। राजेश यादव फिर से एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए। सैंडी यहाँ पर योसिफ खेलना चाहते थे और एक अच्छा स्ट्रोक, एक सिंगल और डायरेक्ट हिट भी यहाँ पर लगा है दूसरे के लिए, जाएंगे क्या देखना होगा। शम तो गिर गया है और यस दो रन, डायरेक्ट हिट लगा जरूर लेकिन दो रन पूरे करते हुए। यहाँ पर गलती करते हुए सैंडी को यहाँ पर फिर से एक बार इन्वाइट किया गया है स्ट्राइक एंड पर। अब थोड़ा यहाँ से दबाव महसूस करते हुए जो लेग बाइस के रूप में यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट हुआ, एक नाकवा बॉयस को एक चार रन मिले, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट हिट भी हुआ, अच्छा हुआ लेकिन टीम नाकवा बॉयस के लिए। स्कोरबोर्ड पर रन संख्या है 21 रन, 20 रन यहाँ से बनाने होंगे नाकवा बॉयस टीम को जीतने के लिए, लेकिन देखना होगा बीबीसी टीम यहाँ पर किस प्रकार फाइट करेगी। यहाँ पर खराब गेंद, काफी खराब गेंद यहाँ पर राजेश यादव के, जो राजेश यादव दो मैचेस में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, पहले मैच में तो वापसी करा के दी थी टीम को, लेकिन अब ये तीसरे मुकाबले में थोड़ी सी खराब, खुद से नाराज हैं। इस वक्त अच्छा स्ट्रोक, वहां पर कोई मौका नहीं, टाइम देते हुए इस वक्त सैंडी, मैंने कहा था जूना चावल ओल्ड इज गोल्ड, और क्या लाजवाब इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए सैंडी। स्कोरबोर्ड पर रन संख्या है 25 रन, 26 है, यस 26, 15, यस 12 बॉल 15 रन। यहां से एक अच्छा ओवर बीबीसी टीम को इस मैच में फिर से वापस ला सकता है, देखना होगा। 12 बॉल 15 रन, यस एक गलती की मैं कहूंगा थर्डमैन के खिलाड़ी ने, जिन्होंने गेंद को पकड़ा और डायरेक्ट हिट कर दिया स्टंप पे, हिट लगने के बाद स्ट्राइक रोटेट हुआ और स्ट्राइक रोटेट होने के बाद सैंडी ने जिस प्रकार से चौका यहां पर जड़ा है, पूरे तरह से मैच में आ गए हैं नाकवा बॉयस की टीम। 12 बॉल 15 रन, 12 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। अगर मुकाबला टाई होता है तो सबसे पहले विकेट देखा जाएगा और विकेट भी टाई होता है तो जो टीम टॉस जीती है डिसीजन उनके फेवर में। बारह बॉल 15, संत्या इस वक्त खेलते हुए मीरा भाईंदर वेस्ट का एक बेहतरीन खिलाड़ी, गेंदबाजी के लिए आए हैं मंटू गुप्ता जो कि भाईंदर वेस्ट से बिलोंग करते हैं, हालांकि एक ही आजू बाजू के गली के दोनों ये खिलाड़ी आमने सामने। आज मीरा भाईंदर चषक 2021 सीजन 2 में, अच्छी गेंद यहां पर देखना होगा, यस अच्छी गेंद है यहां पर, अच्छा कलेक्शन ब्रिजेन के माध्यम से, इस बार कोई गलती नहीं करते हुए ब्रिजेन, उन्हें पता है कि एक गलती की काफी महंगा पड़ा, चार रन मिले लेग बाइस के स्वरूप में। मोंटू तैयार, एक अच्छा स्ट्रोक हल्के हाथ से खेला है वहां पर राजेश यादव है, एक सिंगल रन और 10 बॉल 14 रन, 10 बॉल 14 रन। यहां पर सैंडी को चमत्कार करना पड़ेगा अब यहां से एक बड़े स्ट्रोक, हालांकि एक बड़ा स्ट्रोक आता है तो मैच में फिर से आगमन हो सकती है। यहां पर सिंगल खेलते हुए एक रन केवल आता हुआ, अच्छी फील्डिंग। संध्या तैयार मोंटू के लिए, एक अच्छा स्वीप यहाँ पर, काफी बेहतरीन फील्डिंग, ताली होनी चाहिए दोस्तों, क्या फील्डिंग यहाँ पर की है, अपने टीम के लिए 3 रन बचाए, हालांकि इस खिलाड़ी ने डोमिनेट किया है फील्डिंग के माध्यम से, और क्रिकेट में हर भले बल्लेबाजी हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, हर फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। कदमों का इस्तेमाल, बैक टू द बॉलर ट्राई, यहाँ पर देखना होगा बल्लेबाज आउट, हालांकि जब गेंद उनके हाथ में आई
हाथ उनके ऊपर था, बैट को यहां पर ग्राउंडिंग नहीं कर पाए, बल्लेबाज को यहां पर जाना पड़ेगा डगआउट में। नए बल्लेबाज खेलने के लिए राहुल, हालांकि अब तक डगआउट की में बात की जाए तो रोहित मोरे हैं जिन्होंने एक आखिरी गेंद पर दो गेंदों पर चार रनों की आवश्यकता थी, एक सिक्सर रन जड़ा था। रोहित मोरे अब तक डगआउट में है लेकिन राहुल पाल के ऊपर भरोसा यहाँ पर दिखाया टीम नाकवा ने और बैटिंग के लिए यहाँ पर भेजा है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है 29, 12 रनों की आवश्यकता। अच्छा स्ट्रोक है वहां पर, धवल पटेल है, एक सिंगल को स्टॉप नहीं कर पाएंगे, एक सिंगल की मदद से स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 30, 3-0, 30, 6 बॉल 11। एक अच्छी वापसी मॉन्टू के माध्यम से, केवल और केवल 4 रन यहां पर खर्च किए इस ओवर में। छह बॉल ग्यारह इस यहाँ पर टीम मीटिंग होती हुई थोड़ा क्रूशल मोमेंट है और 6 बॉल 11 सैंडी को अपना जूना दिन यहाँ पर फिर से एक बार याद करना पड़ेगा। सैंडी ने 2 गेंदों पर 2 12 भी मारे हैं लेकिन यहाँ पर 6 बॉल में 11 करने हैं, आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो फिर से 1 साल वापस इंतजार करना पड़ेगा सीजन 3 का। स्टेप करना यस प्लीज बीबीसी टीम, बहुत टाइम ले लिया आपने, आप बीबीसी टीम 6 बॉल 11। इसके बाद का पुल काफी बेहतरीन पुल होगा, पुल डी, जिसमें आपको सभी बड़े बड़े खिलाड़ी जरूर खेलने को देखने मिल सकते हैं। मोलिश आए हैं गेंदबाजी के लिए, यहाँ पर टीम बीबीसी ने कुछ नया परिवर्तन किया, यहाँ पर चेंज किया है एक बॉलर को, मोनिश को यहां पर आमंत्रित किया है। इस लाइन अंपायर आप भी रेडी रहना है और जो दर्शक पर्दक पे हैं अविनाश पाटिल पर्दा छोड़ के बैठना है प्लीज। हमारे आयोजक हमें बता रहे हैं मनीष तैयार सैंडी के लिए, पहली गेंद यहां पर, ओह क्या बात है, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए सैंडी आते ही आते यहां पर स्वागत किया मनीष का एक बाउंड्री के साथ, अच्छी गेंद थी लेकिन उतना ही बेहतरीन इन स्ट्रोक सैंडी के बल्ले से निकलता हुआ। 5 बॉल 7 रन। पांच सात नाकवा बॉइस पूर्ण गेम मध्ये आहे, मात्र बीबीसी देखील गेम मध्ये आहे, मॅच कोणीही सोडणार नाही आहे कारण आज नाही तर 1 वर्ष पुन्हा वाट पाहावा लागेल, एक आज नाही तर पुन्हा सीजन 3 पर्यंत थांबावे लागेल बीबीसी टीमला। पांच गेंदे और 7 रनों की आवश्यकता इस मैच को अब जीतने के लिए टीम नाकवा बॉयज को, सैंडी कमाल और धमाल की बैटिंग करते हुए, ओहो क्या बात है, यहां पर क्लीन बोल्ड,
और आप देख सकते हो टेक्नो कंसल्टेंट स्टैंड अशोक काजी सर और साथ ही मौजी सिनप्पा फाउंडेशन मौजी सिनप्पा सर का स्टैंड और हमारे बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं माननीय श्री आदरणीय श्री मौजी भाई सिनप्पा और उनके साथ उनके सुपुत्र रोनाल्डो सिनप्पा और क्रिश सिनप्पा तो यहां पर अवेलेबल है और उनकी टीम यहां पर क्रिश सिनप्पा टीम उनकी टीम क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर चुकी है दो मुकाबले जीत कर और हमारे बीच यहां पर उपस्थित होते हुए मौजी सिनप्पा सर इनकी इनका आप स्टैंड भी आप देख सकते हो हमारे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में वेलकम सर आपका स्वागत है और आपके साथ सभी जो उपस्थित हुए उनके आपके फ्रेंड यहाँ पर तहे दिल से स्वागत है वेलकम सर सुस्वागतम सर और मैं मौजी सर को बताते चलूं कि आपके ही के सुपुत्र अर्थात क्रिश सिनप्पा इनकी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है आज के दिन में लगातार दो मैचेस जीती है और यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट मैच चलता हुआ अब विक्टर के बीच जो टीम जीतेगी वो टीम यहाँ पर क्वालिफाई करेगी क्वार्टर फाइनल में पुल सी में से गेंदे यहाँ पर से बॉल है टोटल चार चार बॉल में सात रन काफी क्रुशियल मोमेंट पे भेजा जाता है रोहित मोरे को लेकिन देखना होगा रोहित मोरे इस मैच में कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे वेलकम फिर से एक बार स्वागत है मौजी सिनप्पा फाउंडेशन के सभी इधर जनों का और यहाँ पर ब्रिजेन से गलती होती हुई और एक सिंगल रन सुस्वागतम सुस्वागतम वेलकम सर आपका स्वागत है हमारे आप देख सकते हो लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में मौजी सिनप्पा स्टैंड दो स्टैंड यहाँ पर बनाए गए हैं और एक यहाँ पर इंडिकेट किया है सम्माननीय आदरणीय और ये सिनप्पा सर को दोपहर का माहौल और रात का माहौल काफी बेहतरीन होता है कल इस प्रकार हमने नाइट में देखा डीजे प्लीज थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना है माइक का वॉल्यूम बढ़ाना यस थैंक यू सो मच धन्यवाद और आप देख सकते हो लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में मौजूद सिनप्पा स्टैंड एंड टेक्नोकल्चरल स्टैंड उस स्टैंड पर गर्दी जरूर आपको देखने मिलेगी 5 बजे के बाद क्योंकि जो दर्शकों की गर्दी कल यहाँ पर मुकाबले खेले गए थे कल के दिन जीतू पैकर्स टीम फाइनल में आई है और यहाँ पर काफी क्रुशियल मैच चलता हुआ तीन बॉल यहाँ पर रहेंगे और तीन बॉल में रनों की आवश्यकता है टोटल 6 यहाँ से एक सिक्सर गया बाउंड्री मैच जीता सकता है नाका वॉइस टीम को लेकिन एक विकेट और एक बॉल डॉट मैच में वापसी फिर से एक बार बीबीसी टीम हालांकि एक बॉल 6 है तो कभी भी मैच क्लियर हो सकता है एक बॉल पे सिक्सर लग के भी मैच क्लियर हो सकता है तो गेम में पूरी तरह से है मैं कहूंगा नाका वॉइस की टीम लेकिन यहाँ से बीबीसी टीम चाहेगी डॉट और फिर विकेट तैयार गेंदबाज फिर से तैयार इस बार अच्छा स्ट्रोक कदमों का इस्तेमाल किया इस वक्त बेहतरीन स्ट्रोक राहुल के बल्ले से निकलता हुआ यहाँ पर विकेट फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट होगा हालांकि देखा जाए बीबीसी टीम के केवल 2 विकेट गए हैं नाकुआ के 4 विकेट गए हैं तो 2 बॉल में 2 रन कंपलसरी बनाने पड़ेंगे 2 गेंदों पर 2 रन कंपलसरी यहाँ पर बनाने पड़ेंगे काफी अच्छा एक आयोजन नियोजन शैलेंद्र टिक्कल और उनके सभी फ्रेंड्स कमिटी मेंबर्स हमारे मीरा भाईंदर चषक के जिन्होंने एक सभी हमारे युवा खिलाड़ियों को मीरा भाईंदर को मौका दिया खेलने के लिए तहे दिल से सभी का शुक्रिया और हमारे सभी स्पॉन्सर्ड स्पेशली थैंक्स टू मौजी सिनप्पा सर जो कि हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मंच पर और उनके साथ उनके सभी मित्र उनका भी हार्दिक स्वागत फिर से एक बार गेंदबाज मोनिश तैयार होते हुए 2 गेंदे 2 रन एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर राहुल पाल के बल्ले से देखने मिला 2 गेंदे 6 रन वहां पर एक बाउंड्री लगाई और अपने टीम को इस मैच में पूरी तरह से पकड़ बना ली लेकिन मैच अभी भी बैलेंसिंग है मैच पूरी तरह से 50-50 है मोनिश की भी यहाँ पर प्रशंसा करनी पड़ेगी एक पहली गेंद पर बाउंड्री उसके बाद सैंडी को चलता किया उसके बाद एक सिंगल और यहाँ पर भी एक बाउंड्री खाई है 2 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता कंपलसरी नाकवा बॉयज टीम को ये 2 रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि उनके 4 विकेट यहां पर गए पैसा वसूल मुकाबला यहां पर देखने मिलता हुआ दर्शकों को
राहुल पाल बैटिंग कर रहे हैं अपने होम ग्राउंड पर। दो बॉल दो रन मनीष तैयार। यहां पर देखना होगा चांस लेंगे या फिर सिंगल या फिर डबल करेंगे राहुल पाल। मनीष राहुल इस वक्त यहां पर हल्के हाथ से खेला है, एक सिंगल कर दिया है। अब प्रेशर दबाव पूरी तरह से रोहित मोरे के ऊपर, एक बॉल एक। ऑस्ट्रेलियन का स्टार मतलब रोहित मोरे सिंगल लेने में काफी, दो बॉल पिछला मुकाबला था, दो बॉल में चार रन की आवश्यकता थी और एक उन्होंने जरूर बाउंड्री मारी थी, लेकिन यहां पर देखना होगा एक बॉल एक काफी डिफिकल्ट होता है। एक बॉल में चार। मल्लार स्पोर्ट्स के ओनर सम्माननीय आदरणीय श्री हितेश जी पाटिल, इनका यहाँ पर आगमन होता हुआ हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मल्लार स्पोर्ट्स के माध्यम से सीरीज के लिए एक बैट और साथ ही साथ बेस्ट बैट्समैन के लिए भी एक बैट स्पॉन्सरशिप की गई है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया मल्लार स्पोर्ट्स का। और एक बॉल एक रन नाकवा बॉयज टीम को कंपलसरी बनाने पड़ेंगे, जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल में के लिए क्वालिफाई करेगी। देखना होगा मैच पसंद आया हो तो तालियां जरूर होना चाहिए इस मैच के लिए। एक बॉल एक रन नाकवा की बीबीसी। एक बॉल एक रन। देश पाटिल से भी निवेदन है कि मंच पर जाकर विराजमान होना है। मल्लार स्पोर्ट्स के ओनर लाइन अंपायर यस सर, डायरेक्ट मंकी नहीं है, फर्स्ट वॉन है, देन उसके बाद पहला वॉन ही है। एक बॉल एक रन रोहित मोरे स्ट्राइक एंड पर है। भरपूर बार मैच जीता है ऑस्ट्रेलियन को, लेकिन आज नाकवा के लिए इस टीम के लिए एक बॉल एक। अम्ब्रेला फील्डिंग यहां पर लगाई गई है, पूरी तरह से सभी खिलाड़ी एकदम घेर कर खड़े हैं बल्लेबाज को। दो बॉल चार एक बाउंड्री, रोहित मोरे को अपना पिछला मैच याद करना पड़ेगा। एक बॉल में अब एक रन, एक बॉल एक काफी डिफिकल्ट होता है दोस्तों। एक बॉल में छह रन बहुत बार होते हैं, 90% बार मैंने देखा है एक ही चार और छह बनते, लेकिन 10% ही ऐसे बात देखा है कि जहां पर एक रन बनते हैं। एक बॉल एक रन दोनों ही टीमों को ऑल द बेस्ट मौजूद चिरप्पा सर के माध्यम से। यहां पर गलती गलती और गलती, मोनिश यहां पर ब्रिजेश के माध्यम से गलती होती हुई गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और जीत हासिल करती हुई नाकवा बॉयज टीम और क्वालिफाई करती हुई क्वार्टर फाइनल में। वेल डन रोहित मोरे एंड वेल डन राहुल पाल।